मौज कर दी, मौज कर दी लड़के, गजब भाई। ये देख लो भाई, बिल्कुल जहां जहां को फेरे आगे ना, बिल्कुल वहां को आपको मिट्टी या डला कुछ नहीं चमकेगा एक सार बिल्कुल। भाई बैठ के कैसे पडलिंग कर रहे हैं, गजब भाई, शानदार। आगे चलती नहीं सूखे में, लोग बात कहते हैं अरे हमारी चलेगी। अच्छा। हमारी मशीन चलेगी। नमस्कार दोस्तों, भाइयों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो दोस्तों भाई हम आए आज राजा भाई के पास, और भाई राजा भाई ने ऐसा धुएंदार प्रोडक्ट लेकर आए हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको डिटेल से बात करेंगे, मतलब उसके बारे में, और राजा भाई खुद बताएंगे क्या है क्या नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, आज जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, R750 हिंदुस्तान में पहली बार लॉन्च किया है, R750 मॉडल। अच्छा, क्या खास बात है इसमें, क्या भाई साहब? साहब इसमें बहुत खासियत बात है, इसको आप 16 इंच से लेके 42 इंच में चला सकते हैं। जैसे ये मिर्चियां लगी हुई हैं, इसमें कैसे चलेगा, पानी में कैसे चलेगा, सूखी जमीन काली जमीन में कैसे चलेगा, इसके साथ एक टन वजन ट्रॉली कैसे लेके जाएगी, वो सारा आपको करके दिखाऊंगा। कितने एचपी का है ये भाई साहब? 7.75 इटालियन सीरीज का इंजन इसमें लगा हुआ है जी। 7.5 एचपी का, 7.75 भाई साहब, 8 एचपी का। जी जी जी। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये ऑटोमेटिक मशीन है। बिल्कुल जी, ऑटोमेटिक। क्या ऑटोमेटिक है? अरे भाई साहब इसमें ऑटोमेटिक ये है, R750 की पहचान ही ऐसे हुई है, इसमें कोई भी क्लच प्लेट नहीं है। जैसे कि आगे सख्त मिट्टी आ जाती है, पानी में कई बार कीचड़ में मशीन फंस जाती है, तो क्लच खराब हो जाता था, फार्मर भाई को दिक्कत आती थी, तो इस मशीन में हमारे में कोई भी क्लच नहीं है, फुल्ली ऑटोमेटिक, गियर ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है भाई साहब। अच्छा, यानी कि क्लच प्लेट का झंझट ही खत्म है। झंझट ही खत्म कर दिया हमने। अच्छा, उसमें परफॉर्मेंस में कुछ कमी रहेगी सर? अरे परफॉर्मेंस उससे भी बढ़िया कर दी है, देखिए कितनी सख्त मिट्टी है, इसमें आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा अभी। अच्छा, आपने इसको सीधे गियर ड्राइव कर दिया है? बिल्कुल सीधा गियर ड्राइव कर दिया है जी। अच्छा चलो सर, तो अभी इस पे जो ये मतलब लाइनदार फसल है दोस्तों, मैं पहले आपको दिखा दूं जी। ये देख लो भाई, ये लाइनदार फसल है, और इसमें आपको चला के दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे चला के सर, बंजड़ में, ठीक है ना? बिल्कुल सूखी है और पानी भी नहीं लगा हुआ, बिना जूते में दिखाऊंगे, बिना जूते हुए में चला के दिखाऊंगा। लोग बाग ये कहते हैं कि बिना जूते में देखेंगे चला के, चलती नहीं सूखे में, लोग बाग कहते हैं। अरे हमारी चलेगी। अच्छा। हमारी मशीन चलेगी, मेरा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने डिजाइन किया और ना चला हूँ। अच्छा, राजा भाई की चलेगी? अरे भाई साहब राजा भाई की चलेगी तो और किसकी चलेगी अगर ना चली सर? अरे भाई साहब ऐसा ही मत बोला करिए, आप पहले भी बोलते हैं नहीं चली, अरे चला के दिखाता हूँ भाई। अच्छा सर एक बात और बताओ जी भाई साहब, जैसा ये बड़ा बड़ा खरपतवार है जी जी जी, और किसान इसको खरीदता किस लिए आपको पता भी होगा? बिल्कुल खरपतवार निकालने के लिए खरीदता, निकालने के लिए ही खरीदता है। ये देखो ये बड़ा बड़ा खरपतवार है दोस्तों, बड़ी बड़ी घास जमी हुई है, ये इसको नष्ट कर देगा? बिल्कुल करेगा, इसको जड़ से बिल्कुल खत्म कर देगा और मिट्टी के बीच में ला देगा। आशु बेटा जरा चला के लेके आओ, इसमें इसी में आपको चला के दिखाता हूं, इसी में चला के दिखाना है सर। जी जी जी, ये देखिए बिल्कुल नाश कर दिया भाई साहब हमारी, ये देख लो मिट्टी, देख लो भाई कैसे, जैसे भाई बड़ा रोटावेटर बगाता है आगे, जैसे बड़ा रोटावेटर भाई नष्ट करता चलता है, खत्म कर दिया, ऐसे ही मिला दिया, ऐसे ही बिल्कुल खत्म कर दिया है। देख लो दोस्तों, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, इसको चेक कर लो, और सर इधर आना एक बार आप। जी भाई साहब। भाई इसको भी चेक कर लो, ठीक है ना, फर्क आपके सामने है। अरे भाई साहब हमारी मशीन में ताकत ही इतनी है तभी इसको खत्म कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है ना तो कोई वाइब्रेशन है ना कोई उसमें कंधों का जोर लगता है, कई मशीनें ऐसी होती हैं धकेलनी पड़ती हैं, इसमें धकेलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आगे चलती रहेगी। चलो सर ये तो लाइनदार मतलब लाइनदार फसल होगी जी, इसमें देखो मिट्टी भी चढ़ानी होती है, बिल्कुल फार्मर ने मिट्टी भी चढ़ानी होती है जी, तो मिट्टी कैसे चढ़ाएगी? अरे भाई साहब इसके पीछे हम प्लाव लगा देते हैं, वो प्लाव मिट्टी चढ़ाने का काम करेगा और जो पूरी साइडों पे मिट्टी लगा देगा जी। कभी सर घिसरता ही फिर इसमें? अरे नहीं नहीं घिसरेगा नहीं भाई साहब, अभी आप आशु बेटा जरा प्लाव लगवाओ और मिट्टी लगा के दिखाओ भाई। तो सर रेडी है? बिल्कुल जी, अब इसके पीछे प्लाव लगा दिया है और रोटा बीटर के साथ मिट्टी लगाता हुआ चलेगा। चलाओ बेटे, सुनो सुनो सुनो, रुको भाई, रुक जाए एक मिनट, रोक, हेलो एक मिनट, मशीन बंद करिए, भाई मेरी बात सुन ला, आसू मशीन नहीं चलानी, इसकी परफॉर्मेंस चेक करानी, खाना पूर्ति नहीं करनी के बोला मशीन चला दी और खाना पूर्ति हो गया, चलो भाई। अरे खाना पूर्ति नहीं, प्रॉपर मिट्टी लगा के दिखाऊंगा, वही बोल रहा हूँ सर, बोला ऐसी नहीं भाई, लकीर खींच दी और भाई लगी मिट्टी, चलो भाई चलो, आप खुद देखना मिट्टी किस तरीके से लग रही है भाई, दबाना भी है इसको,
ये देखो भाई मिट्टी, अरे वाह, नाली कैसे बनी, ठीक है। देखो सर हम नहीं बताएंगे, खाना पूर्ति तो नहीं कह सकते, हम नहीं बताएंगे, ये बताएंगे दोस्त कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल जी, ठीक है ना भाई। ये देख लो नाली, देखो कैसे बनी है, मिट्टी देख लो भाई कैसे लगी है, कम से भी कम ज्यादा नहीं कहता दोस्त, ये देख लो। लो भाई दोस्तों चेक करो, और दबने का इंजन पे लोड आने का तो शायद ही कोई मतलब ही ना हो, दबाना भाई इसको और दबाना, ये देखो भाई मिट्टी कैसे ऊपर जा रही है, सर जी। अच्छा जैसे ये अभी चल रही फुल लोड पे, हाँ। तो इसका फ्यूल कंजप्शन क्या रहेगा? देखिए जो फ्यूल कंजप्शन है, ये फोर स्ट्रोक की मशीन है, इसका जो मात्र फ्यूल कंजप्शन है, फार्मर जो मुझे आउटपुट देते हैं 600-700 ml है। अच्छा। अगर बिल्कुल सूखी जमीन है, पानी नहीं लगा हुआ, फुल लोड पे चल रही है, तो 700 ml खाएगी। अगर पानी लगा हुआ, नमी है जमीन में और लोड कम है, तो कम खा लेगी जी, डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर। अच्छा अच्छा, जैसे हम चला रहे हैं, ये कैसे हम तरीके से चला रहे हैं, किस तरीके की मिट्टी है जी, बिल्कुल, बिल्कुल जी। अच्छा सर एक बात और बताओ, दो बातें पूछिए बेटे, हम इसको कौन कौन सी फसल में चला सकते हैं? अरे भाई साहब किसी भी फसल में चला सकते हैं, सूखी फसल में खेत जोतना है, पटलिंग करनी है, जाके किसी में ईख में चला, गन्ने में चलाना है, मिट्टी लगानी है, किसी बैंगन में। देखो देखो मैं सुनो, रुको 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 सर जी जी, देखो ये तो लाइनदार फसल होगी जी जी जी, लाइनदार फसल के लिए तो ये देखो मतलब एक ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अब जैसा खेत पड़ा है खाली साइड में, बिल्कुल खाली साइड पड़ा है जी, साइड में पड़ा है ना, अब देखो भाई कोई किसान है कौन फिरेगा इतने से के ऊपर ट्रैक्टर लेकर आता, जी जी जी, ठीक है, हमें साथ में ही उसको जोतना है। अरे भाई साहब अभी तो इसकी अग्नि परीक्षा देनी बाकी है। अच्छा, तो आपको दे के दिखाऊंगा अग्नि परीक्षा। कितने फिट का रोटावेटर चला सकता है? आपको 4 फिट का रोटावेटर चला के दिखाऊंगा, पूरी सूखी जमीन में चला के दिखाऊंगा, और इसमें पानी में भी। क्या बोल रहे हो सर, 4 फिट बोल रहे हो आप? अरे भाई साहब 4 फिट, 4, 1, 2, 3, 4 हकीकत हकीकत भाई साहब। नहीं नहीं, नहीं हम पिता लगवा देंगे सर, हम भी असली है। हाँ कभी आप चला के दिखाऊंगा। नहीं चला के तो दिखाओगे, कभी चलाओ 3 फुट और मपवा दो उसको 4 फुट, ऐसा नहीं होगा। देखो मेरी बात सुनो, किसान का जो पैसा होता है ना, बड़ी मेहनत का, बड़ी मेहनत और खून पसीने का होता है, ठीक है, तो यहाँ पे चलेगी सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी। अरे राजा भाई ने हमेशा ईमानदारी से ही काम किया है, बिना ईमानदारी से काम ही नहीं किया भाई साहब, पक्की बात है। अरे भाई साहब चैलेंज है इस बात का, सभी फार्मर भाई मुझे जानते हैं कि राजा भाई का क्या ईमानदारी का क्या काम है। दोस्तों अभी दिखाते हैं आपको भाई, इसमें 4 फिट का रोटावेटर बोलते भी है, ठीक है, या चलाती भी है, मतलब बोलते है, चलाती भी है। दिखाऊंगा बेटे, चला के दिखाऊंगा, निश्चिंत रहिए, सब्र नहीं हो रहा सर। अरे सब्र नहीं, 2 मिनट तो रुकिए, चला के दिखा देते हैं। 4 फिट 8.5 HP, ऐसे करिए, आओ चलते हैं सूखे खेत में, चलते हैं जो सबसे सूखा खेत हो वहां पे लेके चलता हूँ। चलो बेटे अभी देखते हैं, चलो चले, तो हो जाए सर, हो जाए, दो हाथ मशीन के साथ। अरे घोर करके दिखाते हैं भाई साहब, इसी बंजर जमीन में चला के दिखाऊंगा। अभी जो देखिए गेहूं कटा है, जहां से गेहूं कटा है, कोई बड़े ट्रैक्टर से जुताई करने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं भाई पहले बड़े ट्रैक्टर से जोतना पड़ेगा, फिर छोटे ट्रैक्टर से जोतना पड़ेगा, किसी बड़े ट्रैक्टर से जुताई करने की जरूरत नहीं है, इसी से जोत के दिखाऊंगा भाई साहब। कौन से गेयर में चलाएगा भाई? दूसरे में, ठीक है, ये देखो भाई, ये देखो भाई डलिया फट रही, क्योंकि जमीन थोड़ी है ना सख्त है, ठीक है ना, पर बाकी आप इसके चक्कर देख लो कितने ज्यादा है होंगे सर, 1 मिनट में 200+ चक्कर होंगे इसके, बिल्कुल ज्यादा है जी, इसका 1 मिनट में 500-4 RPM पे चल रहा है जी। नहीं जो मतलब जो ये रोटावेटर घूम रहा है, 1 मिनट में 200+ चक्कर है या कम है? उससे कम है जी चक्कर, कम है, बिल्कुल 180 के करीब है, 180 के करीब है ये चक्कर ये देखिए। हाँ क्योंकि भाई ऐसे ही पता लग जाता है, क्योंकि भाई हम भी देखो किसान है, इतनी तो हम भी जानते हैं। तो दोस्तों भाई आप परफॉर्मेंस चेक करो इसकी, कोई धड़क फड़क नहीं है, बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं है, ये देख लो भाई एक हाथ से चला रहा। पहले पुरानी किस्म की मशीनें होती थी, उनको हल्का सा धकेलना पड़ता था, इस मशीन को धकेलने की जरूरत नहीं है, ये मशीन ऑटोमेटिक चलती जाएगी भाई साहब। अच्छा, तो कोई भी अपने आप इसने आगे चलना है। ये खाली भी बना रखी थोड़ी, अभी हमको ये नष्ट करनी है मशीन से ही, अभी इसी से नष्ट करके दिखाएंगे इसको। बेटे नष्ट करो, लाना भाई इधर लेके आना इसको, इधर इधर लेके आना इस पे, ये देखिए भाई साहब, नाली को भी हमारी मशीन ने नष्ट कर दिया भाई साहब, ये देखिए।
ये देखो भाई, यही हमारी 8750 की ताकत है भाई साहब। बिल्कुल ये देखो भाई, चेक करवा देता हूँ आपको, दिखाना सर खोद के। ये देखिए, ये लो जी, ये देखो भाई गहराई चेक करो। गहराई तो तकरीबन 5 इंच है भाई साहब। हाँ, 5 इंच के करीब है गहराई। और दोस्तों ये देख लो भाई, अगर दो बार कहीं वो फेरा जाता है ना, तो बिल्कुल मिट्टी का तो जो है ना एक चूरण बना देती है। रोकना तो राजा भाई, ये ट्रॉली जैसा आपने बोरी लाद ली, कितना वजन है इसके अंदर? इसमें 1 टन वजन है भाई साहब, प्रॉपर 1 टन वजन है। कितनी बोरी है ये तकरीबन? ये देखिए, गिन लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है जी। 13 बोरी जी। तो 13 बोरी ले गए, ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, इस कच्चे रास्ते में चला के। अच्छा सर, आपने तो हमारी जो ट्रॉली है ये ऐसी बनी हुई है जो हाइड्रोलिक भी है और इसमें ब्रेक भी लगा हुआ है, और इसको अगर हम ऐसे खोल देंगे ना, ये पूरी खाली ऑटोमेटिक हो जाती है। सारे फीचर है इसमें? सारे फीचर है इस ट्रॉली में। करो स्टार्ट, देखते हैं दोस्त। भाई 13 बोरी कह रहा आसू भाई। भाई 13 बोरी है, इसके ऊपर से कूद जाएगी? कूदेगी, यही है हमारी 8750 की ताकत। भाई साहब यही ताकत है हमारी मशीन। अच्छा जैसे सर इतने जोर का खड्डा लगा तो टूटेगा तो नहीं? अरे कुछ भी नहीं टूटेगा भाई साहब, स्पेशल स्टील का उपयोग किया गया है, टाटा स्टील का उपयोग किया गया है इसमें ट्रॉली में। अच्छा जी, बिल्कुल भाई साहब। तो सर कल्टीवेटर चला दे। देखिए इस सूखी जमीन में कल्टीवेटर का आपको आनंद दिखाता हूँ। अच्छा। फार्मर कैसे आनंद उठाएंगे, चलो देखते हैं अभी कैसा आनंद आता है। अभी आप इसके ऊपर कोई पंप वगैरह भी कह रहे थे? अरे भाई साहब वाटर पंप भी चला के दिखाऊंगा, और पानी में कैसे चलेगा, पटलिंग के फार्मर कैसे एंजॉय करेगा, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। चलो वो भी देखते हैं। एक मशीन 10 काम दोस्तों, भैया वही 8.5 HP वाली मशीन है। ये देखो भाई, चेक करो, बंद करना भाई। अच्छा सर, तो लेके चलना पड़ेगा भाई। एक बात और बताओ, हाँ, ये 1 मिनट में कितना पानी निकाल सकती है? देखिए इसमें हमने 2 इंच का पंप का उपयोग किया है, अगर फार्मर बड़ा चाहता है, 3 इंच का चाहता है, 4 इंच का चाहता है, वो भी इसके साथ लग जाएगा। 3 से 4 इंच का भी लग सकता है? 3 से 4 इंच का। और सबसे बड़ी बात तो 4 इंच में तो सर ये समरसेबल कितना पानी देगा जैसे ट्यूबवेल देती है? इतना ही पानी देगा। और इसमें क्या खासियत क्या है, क्या होता था पहले जब पीटीओ के साथ पंप लगते थे, जो पानी होता था मात्र 10-15 फीट से उठाता था जी। अब इसमें हमने इसका ऐसे तरीके से कपल कर दिया है, आप इसको 100 फीट से डूंगाई से पानी उठा सकते हैं, और लंबा इसको आप चाहे 1000 फीट 2000 फीट तक 100 फीट से उठा सकते हैं और 1000 फुट लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल आराम से लेके जा, पक्की बात है, बिल्कुल चैलेंज है, ये आपके सामने दिखाया तो है जी। अच्छा जी, और जैसा मतलब पानी पे चलेगी इसका फ्यूल कंजप्शन क्या रहेगा? इसमें फ्यूल कंजप्शन कम चक्करों पे मशीन चल रहा है, जो इंजन के चक्कर कम हो जाते हैं, तो उसमें जो फ्यूल कंजप्शन होगा मात्र 300-400 ml होगा 1 घंटे का। जी 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 जी। अच्छा तो अब पडलिंग के बारे में कह रहे थे आप, देख ले करके। अरे अभी चलते हैं भाई साहब, चलो। ये नहीं चलना का है सर, पानी साथ में ही है। हाँ इसी में चला के दिखाते हैं अभी, बेटे जरा आशु पडलिंग लगाओ। ये देखो भाई, करो चेक। अरे वाह, और देखिए जो ये हमारी पडलिंग ये कर रहा है, जैसे पहले कलच लोड पड़ता था, जैसे गारे में फंस जाता था मशीन और फिर क्लच में दिक्कत आती थी, अब इस मशीन में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है मेरे भाई। अच्छा जी, अच्छा जी। सर एक बात बताओ, जैसा पडलिंग करने लग रहा है ये, यहाँ पे जुताई होने लग रही है जी जी, तो इसके बाद इसको एक सार कैसे करेंगे? अरे भाई साहब इसके पीछे फट्टा लग जाएगा भाई साहब, लेवल हो जाएगा। बिल्कुल लेवल, वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा मैडा खींच लेगी? बिल्कुल मैडा भी खींच लेगी जी। अच्छा चलो अभी देखते हैं। ये देख लो भाई, पडलिंग कर रही मशीन, और भाई कैसे मैडा लगाया जा रहा, गजब भाई।
ये देखो भाई कितने मस्त तरीके से फिर रहा मशीन लेके भाई इसमें, और पीछे मेड़े पे खड़ा भाई फट्टे पे, और स्पीड देख लो चलने की। ये देख लो भाई मौज कर दी, मौज कर दी लड़के, गजब भाई। ये देख लो भाई बिल्कुल जहां जहां को फेरे आ गए ना बिल्कुल वहां को आपको मिट्टी या डला कुछ नहीं चमकेगा एक सार बिल्कुल। इसकी गारंटी और वारंटी क्या रहने वाली? अरे भाई साहब ये मत पूछा करिए राहुल बेटे, पहले भी आपको बताया है ये कुछ भी खराब हो जाए फोटो भेज दिए नया भेज दूंगा, बात खत्म। चाहे मेरे फार्मर की गलती से किया और मैंने फार्मर की हर समस्या को दूर किया है। नो केस नो एफआईआर, फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। एट द स्पॉट। अच्छा एक बात बताओ सर, जैसा ये मशीन चल रही है यहाँ पे खेत में ईंट वगैरह भी पड़ जाती है? अरे भाई साहब ईंट मैं इसके ऊपर टैंक के दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी इसके आगे ईंट फेंक दिया, कुछ भी नहीं होगा, ये देखिए कोई लोड नहीं लगी, ये देखिए इसके ऊपर से निकल जाएगी, ये देखिए कुछ टूटे फूटेगा नहीं, थोड़े से टूटेगा फूटेगा नहीं, और क्लच के और लोड नहीं पड़ेगा, अगर क्लच प्लेट होती तो वहाँ पे फंस जाना था मशीन में। अच्छा क्लच प्लेट होती जी? हाँ ये गियर ड्राइव है दोस्तों, इसमें कोई क्लच प्लेट वाला सिस्टम नहीं है जी, जी। अच्छा सर अब इसका रेट बता दो क्या है जल्दी जल्दी? जो रेट इसका रखा है बहुत वाजिब रेट रखा है, 62,000 रुपये की मशीन है, 20,000 रुपये की सब्सिडी दे रहा हूँ, मात्र 42,000 की 8,750 इसमें देंगे क्या क्या, 32 ब्लेड की रोटरी देंगे और 2 अटैचमेंट है, 32 ब्लेड की रोटरी देंगे, 32 ब्लेड की रोटरी देंगे और 2 अटैचमेंट फ्री देंगे, जिसमें डबल प्लो, लेबलर, कल्टीवेटर, साइड प्लो, इन चारों में से 2 अटैचमेंट है जिनकी कीमत 4,000 है, कुछ भी ले सकते हैं, फ्री ले सकता है। अच्छा 42,000 की मिलने वाली है कुल मिला के, 42,000 की देंगे। अच्छा 8.5 HP की 42,000 रुपए की प्लस डिस्काउंट क्या है सर? अरे भाई साहब मैंने आज तक किसी को निराश नहीं किया, जो भी बेटे आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा राहुल अंदावा लिख के भेजेगा उसको हम स्पेशल 2,000 का डिस्काउंट करेंगे, यही मशीन 40,000 रुपए में देंगे। 40,000 की जी जी पक्की बात है ना? बिल्कुल जी ठीक है। अच्छा मंगाने का प्रोसेसर और बता। अरे भाई साहब मंगाने का तरीका यही है, आपने मत मैं अकाउंट नंबर भेजूंगा, आपने मात्र 2,000 रुपया डलवाना है, 5,000 का झंझट भी खत्म हो गया सर। अरे हमारे नई कंपनी बनाई है कुछ तो बेनिफिट फार्मर को देना है इसलिए सिर्फ 2,000 ही डलवाएंगे। नहीं देखो सर किसान है ना सीधा साधा होता है, उसको तो बाद में भी देने होते हैं और पहले भी देने होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये फैसिलिटी के लिए किया है, और फार्मर ने अपना एड्रेस भेज देना है हम मशीन डिस्पैच कर देंगे, जब मशीन उनके राज्य में पहुंच गए बाकी का पैसा कंपनी के अकाउंट में डलवा देना है, और मशीन की जो डिलीवरी है उनके घर तक बिल्कुल फ्री देगी, डिलीवरी का आज तक कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री जाएगी। बिल्कुल जी ठीक है। ऐसा है देखो कंपनी में आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहा है, ठीक है, तो कैसा पता लगेगा मतलब ये आपसे मशीन खरीदी है? आपकी बात राहुल भाई बहुत अच्छी की है, फ्रॉड बहुत हो रहे हैं कैसे पता चलेगा, फार्मर भाई हमें वीडियो कॉल करें हमारे देख लें, अगर आवाज समझ में आ रही है तो वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर किस किस से वीडियो कॉल कर लेंगे? अरे भाई साहब कितने भी हिंदुस्तान में फार्मर होंगे जिन्होंने लेना है वीडियो कॉल करें, अगर उनको मेरा फेस देख लें फ्री पैसा डलवाएं भाई साहब। अच्छा जी 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 पक्की बात है ना? पक्की बात, वीडियो कॉल करनी है? अरे कर रहे हैं फार्मर भाई। ठीक है तो दोस्तों भाई यही था वीडियो, अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय किसान।